पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में हुई वारदात से शर्मसार हुआ देश। 72 साल के बुजुर्ग नन से गैंगरेप, अस्पताल में भर्ती। सीसीटीवी में कैद हुआ 3 आरोपी। स्कूल में लूटपाट करने आए 3 बदमाशों ने 72 साल की मिशनरी टीचर से किया बलात्कार। 13 लाख रुपए लूटे और लैपटॉप लेकर हुए फरार। बुजुर्ग नन से गैंगरेप को सीएम ममता ने माना बेहद गंभीर अपराध। सीआईडी जांच के आदेश। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने लगाया आरोप, कहा ममता के राज में बढ़े ऐसे अपराध। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार से दखल की मांग की, कहा गैंगरेप की जांच के लिए केंद्रीय टीम भेजे मोदी सरकार। बुजुर्ग नन से गैंगरेप पर फूटा लोगों का गुस्सा। NH-34 पर लगाया जाम, विरोध में ट्रेनें भी रोकी। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में 7 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़। आरोपी ने दूध लाने के बहाने बच्ची को पास बुलाया था। पीड़िता की शिकायत पर छेड़खाने के आरोपी को लोगों ने पीटा, बाद में पुलिस के हवाले किया। दिल्ली में रेल कर्मचारी को लूट के दौरान बदमाशों ने चाकू मारकर घायल किया। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से लौटते वक्त हुई वारदात, घायल कर्मचारी अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के नरेला में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हड़ताल पर, मरीज की मौत पर परिजनों ने एक डॉक्टर की पिटाई करते हुए मचाया था हंगामा। दिल्ली के बिंदापुर में सरकारी राशन से भरा टेम्पो पकड़ा गया, कालाबाजारी का आरोप। लोगों ने आरोपियों को पुलिस के हवाले किया। भारत पहुंचा सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रभा अरुण का शव। सिडनी में 8 मार्च को चाकू गोदकर की गई थी हत्या। प्रभा के पार्थिव शरीर को बेंगलोर में रखा गया। आज बेंगलुरु में पुट्टूर गांव में होगा अंतिम संस्कार। नागपुर में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा का समापन आज। 1400 प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। संघ के सर कार्यवाह सुरेश भैया जी जोशी भी प्रतिनिधियों को करेंगे संबोधित। दोपहर 2:30 बजे देंगे भाषण। तीन दिनों की थी संघ की प्रतिनिधि सभा। दत्तात्रेय होसबोले ने कश्मीर में राजनीतिक मसले पर मोदी सरकार से जताई थी नाखुशी। भूमि अधिग्रहण बिल पर तकरार जारी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज निकालेंगे विरोध मार्च। लालू प्रसाद यादव पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पटना में राजभवन तक करेंगे प्रदर्शन। भूमि बिल, महंगाई और काले धन को बनाया मुद्दा। नीतीश कुमार ने सुबह 5 बजे तोड़ा उपवास। भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में 24 घंटे तक उपवास पर रहे नीतीश। पटना के पार्टी कार्यालय में था नीतीश का उपवास। कल महिला कार्यकर्ताओं ने गायन के जरिए बुलंद की थी विरोध की आवाज। बिहार शरीफ में जेडीयू और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं में हुई तीखी झड़प। चले लाठी डंडे और पत्थर। बिहार शरीफ में भूमि बिल के विरोध में जेडीयू नेता अनशन पर बैठे थे, तभी लेफ्ट नेता नीतीश का पुतला दहन करने लगे। इसी दौरान दोनों आपस में भिड़ गए। भूमि अधिग्रहण बिल ने मोदी सरकार के कई मंत्रियों की भी उड़ाई नींद। ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बिल को बताया किसानों का हितैषी। साथ ही बोले लोकसभा में पास होने से पहले नहीं आई नींद। 9 जो अमेंडमेंट हम लेके आए हैं वो किसान की थी और उससे मुझे अगले दिन अच्छी नींद आई। दिल्ली बीजेपी विधायक दल के नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार के 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर उठाया सवाल, कहा इस फैसले से जनता पर पड़ा बोझ। ट्वीट में विजेंद्र गुप्ता ने किया जिक्र, केजरीवाल सरकार के 21 संसदीय सचिवों को दी गई है मंत्रियों जैसी सुविधाएं। विजेंद्र गुप्ता ने कहा अंदरूनी कलह को शांत करने के लिए केजरीवाल ने विधायकों को बांटा संसदीय सचिव पद का लॉलीपॉप। नियुक्ति के विरोध में उपराज्यपाल को लिखा पत्र। योजनाओं पर त्वरित अमल के लिए पीएम मोदी ने की नई पहल। राज्यों के साथ हर महीने करेंगे प्रगति बैठक। प्रगति बैठक में पीएम के साथ राज्यों के मुख्य सचिव और सचिव साझा करेंगे परियोजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट। 25 मार्च से हर महीने होगी बैठक।
आज तक से बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, गोमांस पर प्रतिबंध को ठहराया जायज। खट्टर ने कहा हरियाणा में अल्पसंख्यक भी नहीं खाते गोमांस, बोले जिसे माता मान लिया उसकी हत्या कैसे की जा सकती है। मनोहर लाल खट्टर ने रॉबर्ट वाड्रा के जमीन विवाद पर कहा जांच जारी है, कानून अपना काम करेगा। खाप पंचायत पर मनोहर लाल खट्टर ने कानून मंत्री से जुदा दी अपनी राय, कहा सगोत्र विवाह सही नहीं, कानून मंत्री जो कह रहे हैं वो गलत है। उन्होंने जिस संदर्भ में कहा वो संदर्भ हरियाणा और उत्तर भारत के इन स्थानों के संदर्भ में ठीक है। इसी के बारे में तो कह रहे हैं, और खाप पंचायत है कहाँ पे सर? मैं तो कह रहा हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, यहीं पे तो है खाप पंचायत। ठीक नहीं। पानीपत में सामने आई स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, ऑपरेशन के बाद 14 लोगों की आंखों की रोशनी को पहुंचा नुकसान। डॉक्टरों ने कैंप में 17 लोगों की आंखों का किया था ऑपरेशन, पीड़ित सभी मरीजों को चंडीगढ़ के पीजीआई रेफर किया गया, 6 की हालत गंभीर। खट्टर सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पीजीआई में मरीजों से जाना हाल, बोले हरियाणा सरकार उठाएगी इलाज का खर्च। इनका सारा जो भी खर्चा होगा वो सरकार वहन करेगी, जो भी यहाँ पर इनका ट्रीटमेंट का खर्चा आता है उसको सरकार वहन करेगी। एक एनजीओ ने निजी अस्पताल के साथ मिलकर किया था कैंप का आयोजन, स्वास्थ्य विभाग से नहीं ली थी अनुमति, जांच रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत का मोदी सरकार पर निशाना, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा बिना परामर्श बदल दी गई केंद्रीय योजनाओं की फंडिंग। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मनीष सिसोदिया का दावा, इस वक्त मैं ही हूं दिल्ली का मुख्यमंत्री, फिलहाल बेंगलोर में इलाज कराने हैं सीएम केजरीवाल। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मनीष सिसोदिया का आरोप, दिल्ली की सारी एजेंसियों पर केंद्र का कब्जा। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले बदल रही है राजनीति, भ्रष्ट नहीं है महाराष्ट्र के नेता। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में रमन सिंह का दावा, दक्षिण के राज्यों से कम नहीं है छत्तीसगढ़ का विकास दर। मसरत आलम की रिहाई पर बोली पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, कहा ठोस आधार के बिना किसी को बार बार हिरासत में नहीं रख सकते। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोली महबूबा मुफ्ती, कहा मैं कश्मीरी पंडितों का दर्द समझती हूं, हमारी कश्मीर के सभी लोगों का दिल जीतने की कोशिश। बीजेपी से गठबंधन पर बोली महबूबा मुफ्ती, कहा लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी को लेकर हमारा मन बदला। मिनिमम प्रोग्राम बना जिसमें हमने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में रिकंसिलेशन कैसा होगा, हाउ डू यू एड्रेस द कश्मीर प्रॉब्लम, हाउ डू यू रिकंसाइल विद द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल डायमेंशन एज द पाकिस्तानी फैक्टर वाज देयर। महबूबा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जिस कांग्रेस ने कभी हमारे साथ गठबंधन किया था आज वही हायतावा मचा रही है। श्रीलंका से वापस वतन लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 3 देशों की 5 दिवसीय यात्रा के दौरान सेशल्स, मॉरिशस और श्रीलंका का किया दौरा। पीएम मोदी के दौरे के समापन पर अलविदा कहने एयरपोर्ट पहुंचे थे श्रीलंका के प्रधानमंत्री विक्रम सिंधे और पर्यटन मंत्री अर्जुन रणतुंगा। 28 सालों बाद श्रीलंका के दौरे पर पहुंचे थे भारत के प्रधानमंत्री, कल तलाई मन्नार में भारत की मदद से तैयार रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। श्रीलंका दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी ने जाफना का किया दौरा, युद्ध में तबाह हुए लोगों को भारत की मदद से बनाए घर सौंपे।